वैज्ञानिकों को रिसर्च में एक बड़ी सफलता मिली है। जीन थेरेपी की मदद से लकवाग्रस्त चूहे 2 हफ्तों में चलने लगे। रिसर्चर अब देखना चाहते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जा सकता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं शायना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। वैज्ञानिकों को रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। पैरालिसिस यानी लकवे का इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों ने चूहे पर सकारात्मक असर पाया है। इससे दुनिया भर में लकवे से पीड़ित करीब 54 लाख लोगों के लिए उम्मीद जगी है। जर्मनी की रूर यूनिवर्सिटी बोकम के रिसर्चर्स ने खराब हो चुकी चूहे की रीढ़ की हड्डी में प्रोटीन की मदद से नसें फिर से तैयार की हैं। इन चूहों के पीछे के पैर चलना बंद हो चुके थे, लेकिन इलाज के बाद ये 2-3 हफ्ते में चलने लगे। टीम ने हाइपर इंटरल्यूकिंग 6 बनाने के लिए मोटर सेंसरी कार्डेक्स के नर्व सेल्स इंड्यूस किए। ऐसा करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर वायरस को इंजेक्ट किया गया, जिसमें खास नर्व सेल में प्रोटीन बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। रिसर्चर्स अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चोट कई हफ्ते पुरानी होती है तो क्या हाइपर इंटरल्यूकिन 6 का चूहे पर सकारात्मक असर होता है या नहीं, क्योंकि इसकी मदद से ये समझ आ जाएगा कि इंसानों पर ट्रायल के लिए दवाई तैयार है या नहीं। वैसे ये लकवे के मरीजों पर कैसे असर करेगा वो भी हम आपको बताते हैं। रिसर्चर्स की माने तो ये प्रोटीन रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने वाली चोट के खिलाफ काम करता है। चोट से एक्सॉन खराब होते हैं जो खाल और मांसपेशियों से दिमाग तक सिग्नल लाते और ले जाते हैं। जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो संदेश भी बंद हो जाते हैं। अगर ये फाइबर चोट के बाद ठीक नहीं होते तो मरीज को लकवा हो जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह प्रोटीन ना सिर्फ नर्व सेल को शुरू करता है बल्कि दिमाग तक भी जाता है। इन वायरस को जीन थेरेपी के लिए भी तैयार किया गया। इसके जरिए ऐसे प्रोटीन बने जो नर्व सेल को गाइड कर सके, जिन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़े होते हैं जो चलने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये प्रोटीन वहाँ तक पहुँचाया जाता है। रिसर्चर्स की माने तो कुछ नर्व सेल के जीन थेरेपी के इलाज से दिमाग के अलग अलग हिस्सों में नर्व सेल और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन रिजनेट होते हैं। इससे पहले न चल पाने वाले जीव 2-3 हफ्तों में चलने लगते हैं। वैसे हम आपको लकवे के कारण बता देते हैं। इसके लिए कोई विशेष कारण जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि इसके कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पैरालिसिस यानी लकवा या पक्षाघात एक वायु रोग है, जिसके प्रभाव से संबंधित अंग की शारीरिक प्रतिक्रियाएं बोलने और महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। युवावस्था में यह ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने से और आलस की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी स्नायविक तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, इस रोग के आक्रमण की आशंका भी बढ़ती जाती है। सिर्फ आलसी जीवन जीने से ही नहीं, बल्कि इसके विपरीत अधिक भागदौड़, क्षमता से ज़्यादा परिश्रम और व्यायाम और ज़रूरत से ज़्यादा आहार खाने की वजह से भी लकवा होने की स्थिति बनी रहती है। और अब हम आपको बताते हैं लकवे के प्रकार। आयुर्वेद में पैरालिसिस के 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले बताते हैं अर्दित के बारे में। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होना। इसमें सिर, नाक, होंठ, ठोड़ी, माथा, आंखें और मुख प्रभावित होता है। अब बात करते हैं एकांगघात की, जिसे एकांगवाद भी कहते हैं। इस रोग में मस्तिष्क के बाहरी भाग में समस्या होने से एक हाथ और एक पैर कड़क हो जाता है और उसमें लकवा हो जाता है। यह समस्या सुषुम्ना नाड़ी में भी हो सकती है। इस रोग को मोनोप्लेजिया भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सर्वांगघात की, जिसे सर्वांगवात रोग यानी डायप्लेजिया भी कहा जाता है। इस रोग में लकवे का असर शरीर के दोनों भागों पर यानी दोनों हाथ और पैरों, चेहरे और पूरे शरीर पर होता है। अब बात करते हैं अधरांगघात। इस रोग में कमर से नीचे का भाग यानी दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। यह रोग सुषुम्ना नाड़ी में विकृत आ जाने से होता है। यदि यह विकृत सुषुम्ना के ग्रीवा खंड में होती है तो दोनों हाथों को भी लकवा हो सकता है। जब लकवा अपर मोटर न्यूरॉन प्रकार का होता है तब शरीर के दोनों भाग में लकवा होता है। और अंत में बात करते हैं बाल पक्षाघात की। बच्चे को होने वाला पक्षाघात एक तीव्र सकारात्मक रोग है। जब एक प्रकार का विशेष कीड़ा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर उसे नुकसान पहुंचाता है तब सूक्ष्म नाड़ी और मांसपेशियों को चोट पहुंचाता है, जिसके कारण उनके अंतर्गत आने वाली शाखा क्रियाहीन हो जाती है। वैसे इस रोग का आक्रमण अचानक से होता है और ये ज़्यादातर 6 से 7 माह की आयु से लेकर 3 से 4 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को होता है। वैसे रिसर्चर्स अपनी तरफ से लकवे का इलाज ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
चूहों पर तो वैज्ञानिकों ने सकारात्मक असर पाया है और अब रिसर्चर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चोट कई हफ्ते पुरानी होती है तो क्या हाइपर इंटरल्यूकिन 6 का चूहे पर सकारात्मक असर होता है या नहीं, ताकि उसकी मदद से ये समझ में आ सके कि इंसानों पर ट्रायल के लिए तैयार है या नहीं।